मोमेंट्स बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये ड्राई स्ट्रॉबेरी ली हुई है। ये इस प्रकार से दिखती है, ये देखिए। ये बहुत ही आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी। मैं उसके छोटे टुकड़े काट रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज की स्ट्रॉबेरीज को कट किया है। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं, और अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इसे ज्यादा भी डाल सकते हैं। टेस्ट के अनुसार आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं एक मिक्सी का जार ले रही हूँ और उसके अंदर मैं 1/4 कप कैश्यूज ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने टुकड़ा काजू लिया हुआ है। अगर आप पूरे काजू का इस्तेमाल करें तो भी ठीक है, पर आखिर में हम इसे पीसने ही वाले हैं मिक्सी में, तो कुछ भी लें वो ठीक है, चलेगा। 1/4 कप कैश्यूज को मैं हाफ क्रश करूंगी। देखिए दोस्तों, ये हाफ क्रश करके रेडी है। मैंने थोड़े से पीसेस इस प्रकार से छोड़ दिए हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा पाउडर है और थोड़े पीसेस नजर आ रहे हैं हमें। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी में आपको पीसना है। पीसते वक्त आप इसे पल्स मोड पे ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टेंटली कर सकते हैं, मतलब पल्स मोड पे डालकर वापस बंद कर दे, पल्स मोड पे डालकर वापस बंद कर दे, ऐसे तुरंत तुरंत करना है और आपको बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप + 1/4 कप व्हाइट चॉकलेट ले रही हूँ। ये क्वांटिटी के लिए मैंने मोडे कंपनी की जो व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट है उसका 1.5 स्लैब को कट किया और मुझे ये क्वांटिटी मिली है। मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर हमारा जो हाफ क्रश किया हुआ काजू का पाउडर था वो डाल दूंगी, 1 टेबलस्पून दूध, 1/4 कप। अब मैं इसे गैस पर कुक कर लूंगी। मैं सारी सामग्री को इस तरीके से धीमी आंच पर कुक कर लूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने ये रेसिपी को तेज आंच पर कुक किया तो व्हाइट चॉकलेट जो है वो बर्न हो जाएगी। दोस्तों, आप ये टिप का जरूर ध्यान रखिएगा और फिर ही ये रेसिपी को बिल्कुल जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनाइएगा। ज्यादा टेम्परेचर पे आप कुक करेंगे तो बिल्कुल इसका स्वाद बिगड़ जाएगा, व्हाइट चॉकलेट एकदम ही जल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका जरूर से आप लोग ध्यान रखिएगा। पर फ्रेंड्स, सच कह रही हूँ, एक बार आपने ये रेसिपी अपने घर पर बना ली, आप बाहर की चॉकलेट्स बिल्कुल ही भूल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो मिश्रण है वो काफी गर्म हो चुका है। अब मैं आंच को बंद कर दूंगी और जो थोड़े बहुत इसमें चॉकलेट के लम्स है उसे स्टर करते हुए मैं मेल्ट कर दूंगी। इसे ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। जो थोड़े बहुत आपको पीसेस दिख रहे हैं वो काजू के हैं जो हमने इसमें डाला है। अब बिल्कुल इसी स्टेज पर मैं इस मिश्रण के अंदर डालूंगी हमारे चॉप किए हुए स्ट्रॉबेरी के पीसेस। बिल्कुल इसी स्टेज पे डालना है, स्ट्रॉबेरी को कुक नहीं करना। और 1 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर मैं इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो आप अनसॉल्टेड बटर का भी उपयोग कर सकते हैं, पर हमेशा मैं सॉल्टेड बटर का ही उपयोग करती हूँ क्योंकि इससे जो स्वाद है बहुत ही बढ़ जाता है इस रेसिपी का। अब इसमें कमी है केवल स्ट्रॉबेरी एसेंस की। मैं इसमें 1 टीस्पून स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दूंगी। अब मैं सारी सामग्री को मिला लूंगी। हमारा मिश्रण बनकर तैयार है। देखिए दोस्तों, मैंने ये पिकविक कंपनी के पाइनएप्पल फ्लेवर के वेफर बिस्किट्स लिए हुए हैं। मैं यही कंपनी के ले रही हूँ क्योंकि मेरे मोल्ड के साथ इसका जो पूरा मतलब हाइट है और साइज है वो एकदम मैच हो जाता है। मैंने ये बिस्किट्स को छोटे स्क्वायर्स में कट कर लिया है। अब मैं ये मोल्ड को हमारे तैयार किए हुए मिश्रण के साथ भर लूंगी। मैं ये मिश्रण को इस प्रकार से ये चम्मच से पोर कर रही हूँ। देखिए, इस प्रकार से थोड़ा सा प्रेस करना है इसे ताकि इवनली पूरे मोल्ड में ये हर जगह पे ठीक से बैठ जाए। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है तो इसे लगाते वक्त ऐसे थोड़ा अगर साइड में गिर जाए तो बिल्कुल भी फिकर नहीं है क्योंकि वैसे भी आप सारे ही मोल्ड्स को भरने वाले हो।
देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों मोल्ड्स को मैंने भर दिया है और अब मैं इसके ऊपर प्लेस करूंगी ये स्क्वायर शेप में कटे हुए पाइनएप्पल फ्लेवर के वेफर बिस्किट्स। बिल्कुल जैसे मैंने आपको आगे सिखाया है वैसे ही इसे कट करना है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है इसे कट करना। देखिए ऐसे प्लेस कर देना है, ये स्टिक हो जाता है अपने आप। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मोल्ड्स को भर लिया है, अब इन पर भी मैं ये वेफर बिस्किट लगा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर रेडी है। अब मैं इसे फ्रीजर में 5 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख दूंगी। अगर आप इसे फ्रिज में रख रहे हैं तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख सकते हैं। क्योंकि मैं इसे फ्रीजर में रख रही हूँ, मैं इसे केवल 5 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने ये चॉकलेट्स को फ्रीजर से निकाल दिया है, मैं आपको ये अनमोल्ड करके दिखा देती हूँ। ये एक मैंने थोड़ा सा अनमोल्ड करके रेडी रखा था, ये देखिए बहुत ही आसान है। थोड़ा सा टफ लगे तो आप इसकी साइड्स पहले ऐसे करके छुड़ा सकते हैं, थोड़ा सा इसे केवल पुल करना है। अगर 5 मिनट में फ्रीजर में ये सेट नहीं हुआ तो आप इसे 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। मेरे फ्रीजर में ये तुरंत सेट हो गया क्योंकि मेरा एकदम प्रोफेशनल फ्रीजर है। अगर आपका नॉर्मल फ्रिज है और उसमें जो नॉर्मल फ्रीजर होता है उसमें आप सेट कर रहे हैं और थोड़ा सा पावर उसका कम है तो आप इसे और थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए रख दीजिएगा। अब मैं ये सारी चॉकलेट्स पर थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट ड्रिजल कर दूंगी। अब मैं इसके राइट कॉर्नर पे व्हाइट चॉकलेट का एक छोटा सा डॉट बना लूंगी और थोड़ी सी सिल्वर फॉइल इस पे लगा लूंगी। इसका लुक एकदम डेलिकेट हमें रखना है, ज़्यादा गॉडी नहीं डेकोरेशंस यूज़ करने, इसलिए हम एकदम मिनिमल डेकोरेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। फ्रेंड्स, मैं ये हार्ट्स, छोटे वाले जो शुगर हार्ट्स है वो यूज़ करके थोड़ा और इसे सजा लूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गोल्डन शुगर ड्रिजल कर दूंगी। प्रेशियस मोमेंट्स बनकर तैयार है।